हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे की ओर सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पे, जो कि हम राकेश यादव सर की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में राकेश यादव सर की बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो कंप्लीट देखें, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि शायद आपने नहीं पढ़ी हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन, मतलब मूलधन मतलब पी और अमाउंट 4:5 के अनुपात में 3 वर्ष उपरांत, मतलब 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि 4:5 के अनुपात में मूलधन और मिश्रधन है, तो 4:5 के अनुपात में तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है हमें, 4:5, ठीक है। लेकिन 3 वर्ष बाद यह अनुपात, 3 साल बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 3 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात बताओ, आपने 100 रुपये किसी को पूंजी दी, ठीक है, तो वो 1 साल बाद अगर तुम्हें लौटाएगा तो 100 रुपये तो वो देगा ही देगा पूंजी, और ब्याज भी देगा। तो फ्रेंड्स, 100 रुपये क्या आपके चेंज हुए, नहीं हुए ना, 100 रुपये दिए थे, 100 रुपये तो वही रहे, मूलधन मूलधन ही रहेगा लेकिन ब्याज मिल जाएगा अलग से। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, मूलधन भी चेंज हो रहा है और मिश्रधन भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, इसका जो मूलधन है वो बराबर कर लें, तो नीचे कर दूँ मैं कितने का मल्टीप्लाई, 4 का, तो ऊपर कितने का होगा, 5 का। अब देखिए जरा, मूलधन बराबर हो गया, 4×5=20 और 5×20, लेकिन प्रॉपर्टी होती है रेशियो की कि बोथ साइड में मल्टीप्लाई करें, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर। अब देखें तो नया अनुपात क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो नया रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 4×20=25। इसी तरह से नीचे वाला देखेंगे, 20:7:28। लेकिन अब यहाँ पर देखा मैंने कि प्रिंसिपल तो समान है लेकिन 3 रुपये की ब्याज मिल रही है। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल तो समान हो गया, ठीक है, पहले 1 साल में मतलब यहाँ पे अमाउंट था 25, अब यहाँ पे 3 साल बाद हो गया 28, तो ब्याज कितने का मिल रहा है, 3 रुपये का ब्याज, लेकिन कितनी साल में, 3 साल में 3 रुपये का ब्याज, 3 साल में 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अच्छा, तो 1 साल में कितना मिलता होगा, 1 रुपया, 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, लेकिन हमें दर निकालनी, तो 1 साल में 1 रुपया कितने पे मिल रहा है, प्रिंसिपल कितना, 20 × करेंगे परसेंटेज के लिए 100, प्रिंसिपल चाहे आप इसे ले लीजिए चाहे इसे, ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा, 20×100, 5% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, आपको पता है ये थोड़ा सा मतलब अच्छा मेथड है, लेकिन हम इस क्वेश्चंस को सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे और बहुत सिंपली फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बस आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे क्वेश्चन नंबर 35 तक, तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और क्वेश्चंस भी क्लियरली समझ में आ जाएं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे एकदम परफेक्ट मेथड आपको दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि मैथ्स का नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके
ओके, फिर हम चलते हैं इसकी क्वेश्चन के सेकंड मेथड की ओर। अच्छा, तो सेकंड मेथड में सर आप कैसे सॉल्व करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, वो हम अभी आपको बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले, बस आप जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो मेथड नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा रीड कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है 4:5 है। ठीक है, 4:5 है, अनुपात है। 3 वर्ष बाद यह धनराशि का अनुपात जो है कितना होता है, 5:7 हो, तो दर क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ अगर मैं देखूं तो पहले जो है प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4:5। ओके फ्रेंड्स, लेकिन 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद यहाँ अनुपात जो है प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वो कितना हो जाते हैं, 5:7। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा पहले मैंने किसी को 4 रुपये दिए, उसने मुझे 5 लौटाए, तो ब्याज कितनी मिली, 1 की, कितने पे, 4 पे, इंटू करेंगे 100 का, 1/4 कितना होता है, 25%। यहाँ से जो मेरी दर निकल के आई वो आई 25%। अच्छा मैं यहाँ से चेक करूँ तो 2/2 में कितना हो जाएगा, 5, इंटू करेंगे 100 का तो कितना हो जाएगा, 40%। ये मेरा 40% हो गया। अच्छा तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि बीच में जो है हमारा 3 साल के अंतर में कितनी दर बढ़ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 3 साल बाद ही तो ये रेशियो हो रहा है, तो 3 साल में मेरा कितना बढ़ गया, ये देखिए 2500 हो गए 40, तो मतलब 15% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया, कितनी साल में, 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 3 से भाग कर दूँ, 3, 5, 15, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 साल की दर निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है बहुत। ठीक है, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग, याद रखना 40% क्या है, भाग है। ठीक है, 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से, तथा शेष भाग 18% दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो फ्रेंड्स आपको ये लेंथी लगता होगा, लेकिन ये है बहुत सिंपल। वो कैसे सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें। सबसे पहले जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले भाग अलग कर लीजिए। तो मेरा भाग क्या है, पहले 40%, 40% कितना होता है, 2/5, मतलब 2/5 भाग की बात की गई है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, कितना भाग है, शेष का 50% भाग, शेष का बोला है, ध्यान से शेष बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, शेष का 50%। अच्छा 50% कितना होता है मेरा, 1/2 भाग। सबसे पहले जो भी भाग वाली वैल्यू है उन्हें बाहर कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए और कुछ है, शेष भाग 18% में, और कोई नहीं है। ठीक है, परसेंट दर अलग है। ओके, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में राशि एड लेट करनी पड़ेगी, मतलब राशि हमें माननी है। तो राशि हम ऐसी वैल्यू माने जो कि 5 और 2 से विभाजित हो, मतलब 5 और 2 से डिजिबल डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो 5×10 में टोटल मान लो कितनी, टोटल उसके पास थी 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये उसके पास थे,
अब उसने पहला भाग कितना 40%, तो 10 का 40% 2/5 निकालेंगे, तो 10 का 40% निकालेंगे 2/5, 5 × 10 2 × 4 हो गया। सेकंड भाग निकालेंगे तो शेष का बोला है शेष, ठीक है 10 में से 4 चले गए तो बचा कितना होगा 6 बचा होगा ना, तो 6 का 1/2 निकालना है, तो 2 × 3 = 6 हो गया होगा। अब उसके बाद शेष धनराशि कितनी बची, 4 और 3 = 7 चले गए 10 में से, तो बचे कितने होंगे 3। यहाँ पे ये इक्वल है, मतलब इन तीनों का योग मिला के ये 10 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि ये मेथड एकदम परफेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए, याद रखना ये 40% भाग है, ये 50% है, ये शेष है, ये कुल है, ठीक है ये क्या होता है हमारा कुल होती है मतलब टोटल। अब उसके बाद बोल रहा है जो 40% भाग है वो 15% पर, तो 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि 50% भाग 10% पर, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि शेष भाग को 18% दर से, तो शेष को 18% दर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है अब क्या करना है, 15 × 4 = 60, 3 × 2 = 30, 18 × 3 = 54। अब क्या करेंगे सिंपली, जैसे कि देखो 3 × 3 = 6 और 4 = 10 होता है, इसी तरह इन्हें ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे ये कितना हो जाएगा फ्रेंड जरा बताइएगा, 60 और 30 = 90, 100 = 144, कितना हो गया 144। और 144 को कुल वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 14.4% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इससे ज़्यादा सिंपल कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। ओके फ्रेंड्स, ये एकदम परफेक्ट मेथड है, मतलब इसे मैं देता हूँ 3 स्टार। आप लोगों को मैंने किरण बुक से जब सॉल्व कराया था तो उसमें भी आपको ये मेथड मैंने बहुत बार बताया हुआ है, बहुत सिंपल मेथड है और बहुत अच्छा मेथड है, और टफ टफ क्वेश्चन इससे बहुत सिंपल मेथड से हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक समयावधि खाते में जमा कराए, ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, उसके चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कैसे वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहली बात, उसने जो है राशि कितनी दी, 15,600 रुपये दिए। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है उसे आप पकड़ो। ठीक है तो वो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 15% है, 15,600 साधारण ब्याज पर दे रहे हैं। ठीक है तो हम यहाँ पे सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं, पी कितना है मेरा 15,600 रुपये, दर कितनी है 10%। अच्छा समय कितना है मेरा, समय 1 साल प्रत्येक दूसरे वर्ष, देखो थर्ड लाइन में लिखा हुआ प्रति दूसरे वर्ष, प्रति दूसरे वर्ष मतलब 2 साल लेंगे, बट्टे में कितना कर लेंगे 100। फाइनली हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने पे ब्याज कितनी हो जाएगी, 10 × 2 = 20 हो जाएगी, 20 का मल्टीप्लाई 156 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 156 × 312 = 0, मतलब इतने रुपये मेरा क्या है, ये क्या है मेरा SI, तो SI यहाँ से मुझे मिल गया। अब क्या करना है, इस ब्याज को क्या करता है वो मूलधन में जोड़ देता है। अच्छा तो मैं भी मूलधन में जोड़ देता हूँ, तो 15,600 में मैं ऐड करूँगा कितना 3,120, तो कितना हो जाएगा, प्लस कर लेते 02781, कितना हो गया 18720। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब ये राशि जाएगी अगले 2 साल के लिए 10% दर पर,
तो 18,720 रुपये की धनराशि 10% दर से है, 2 वर्ष के लिए है, बट्टे में 100 है। अब क्या करना है, हमें यही ब्याज पूछी गई है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब क्या कर लूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 दुना 4, 2 7 14, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17 के साथ 1 कैरी, 2 1 कम 2 और 1 3, तो 3744 मेरी जो है 4th वर्ष के अंत में ब्याज होगी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो प्रति दूसरे वर्ष जमा कर रहा है, तो प्रति दूसरे वर्ष 2 साल हो गई ना 4 साल, तो सिंपली 4th वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा उसके पास ब्याज, 3744, 3744 रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को और अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट और एक लाइक करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है बहुत आसानी से वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8,848 रुपये, ठीक है, 848 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर किस्त कितनी है, मतलब एक किस्त हमें निकालनी है, लेकिन इसके लिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो किस्त वाले जब भी आते हैं तो एक किस्त प्रत्येक किस्त निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसआई के केस में ध्यान से नोट कर लेना, एसआई की अगर हमें एक किस्त निकालनी है तो जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से नोट कीजिएगा, तो वो कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टाइम इंटू 100 प्लस। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पे क्या आता है, तो टाइम ही आता है, लेकिन टाइम किस सीरीज़ में होता है, जितनी साल होती हैं उसका कम करते हुए चलते हैं, तो मतलब टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू, इसी तरह से सीरीज चलती है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, इंटू कर देंगे क्या, आर, क्या करेंगे, इंटू, ये हो गया मेरा क्या, एसआई किस्त का फॉर्मूला। सर इस फॉर्मूले से मत कराओ, ये बहुत बड़ा है, इसे कैसे याद करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है किस्त का क्वेश्चन इसी से कर सकते हैं, लेकिन हम और कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इससे नहीं करने वाले, तो कैसे करेंगे सर, तो क्वेश्चन दोबारा एक बार पढ़िए मेरे साथ। 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाने, 4 वर्ष के अंत तक का मतलब है 4 किस्तें, तो सबसे पहले साधारण ब्याज है, याद रखना एसआई के केस में सबसे पहले आपको 100 धनराशि 100 किस्त मान लेनी है, अगर 100 रुपये मैंने माने 4% की ब्याज मिलेगी तो कितना हो जाएगा, दूसरी 104 होगी, 100 से कितना हो गया 104, अब उसके बाद में इस 4 में दोबारा 4 ऐड कर दीजिए, मतलब ब्याज तो मिल रही है 100 पे ही, ठीक है, साधारण ब्याज है इसलिए कितना हो जाएगा, अब 108 हो जाएगा, ठीक है, अब उसके बाद दोबारा ऐड कर दीजिए, कितना बनाने हैं मुझे, 4 किस्त बनानी है, तो कितना हो जाएगा 112, मैंने क्या किया 100 पे 4%, फिर 100 पे 4%, तो 104 में ही 4 ऐड कर देंगे, फिर 100 पे 4%, 8 में ऐड कर दिए 12 हो गए, फाइनली इनको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पर कितना होगा, 8 और 4 12, 12 और 2 14 की 4, 1 कैरी, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 2 3 4, मतलब 4 to 4 आया मेरे पास। अब ये होता क्या है, क्वेश्चन में देखिए जो धनराशि होती है 4 to 4 बराबर होगा कितना, 8, 4, 8, अच्छा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 to 4 से डिवाइड कर दूँ
फोर टू फोर से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा एक बराबर दो। जब एक बराबर दो आ चुका है तो शुभ काम में देरी क्या, यहाँ पे देखिए एक बराबर कितना आया मेरा, यहाँ लिख देता हूँ एक बराबर हो गया दो। जब एक बराबर दो है तो हमें पूछा क्या है प्रत्येक किस, तो हमेशा हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते, तो एक बराबर 100 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपये की प्रत्येक किस्त हमें देनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। आप इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, एक बराबर दो है तो इस 100 बराबर सिर्फ पहली वाली किस्त लेते हैं हम, दूसरी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो कितना 100 का मल्टीप्लाई कर देते, या हमेशा जब भी कभी पूछा जाता है तो 100 एक की जो वैल्यू आती है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, और आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, प्रिंसिपल रख दीजिए, प्रिंसिपल कितना है 848 है इंटू 100, टाइम कितना है, टाइम हमें 4 साल दे रखी है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा, मतलब 3 2 1 आ जाएगा, ठीक है। एन माइनस वन का मतलब है यहाँ पे कि 4 माइनस 1 ये कितना हो गया 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा जितना बचेगा कितना 3, अब यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा तो मतलब 1, इस तरीके से चलता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 1 लिख देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या करना है वो हमें देख लेना और सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा रेट रखने के बाद। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 की, और क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 40 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में दुगुनी तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में 3 गुनी, तो कम ब्याज की दर कौन सी है, कम ब्याज की दर। देखो पहली केस में क्या हो रहा है, दुगुनी हो रही है, तो पहले केस में दुगुनी कर दीजिए। पहले मैंने 1 मान ली, 1 से हो गई दुगुनी, मतलब यहाँ पे जो 1 है वो हम P मानते हैं और ये A है, अमाउंट मतलब मिश्रधन हो जाएगा, P मतलब प्रिंसिपल। अच्छा 1 पे 1 की ब्याज मिल रही है, बट्टे में 1% के लिए इंटू 100, और बट्टे में कितना हो जाएगा, अगर मुझे दर दी गई है तो दर रख देंगे तो समय निकल के आ जाएगा, और अगर समय दिया गया है तो दर निकल के आ जाएगी, तो समय में रख लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 20%। अच्छा सेकंड केस में क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1 से 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी में ब्याज कितनी मिल रही है 2 की, कितने पे 1 पे, इंटू करेंगे 100 का, अगर हमें दर दी गई है तो समय निकल के आ जाएगा, तो समय दिया गया है तो दर निकल के आ जाएगी, अपोजिट रहता है, अगर मैं 20 यहाँ पे रख दूंगा तो 5 वर्ष निकल के आ जाएगा। इसी तरह 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 6 12, 100 बट्टे 6 कितना होगा 16, सही 2 बट्टे 3%। अच्छा क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, क्वेश्चन ने हमसे पूछा कम वाली, मतलब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो यहाँ पे लोअर रेट मतलब कम वाली पूछी गई, तो आंसर कितना हो जाएगा, कौन सी कम है आप देख सकते हो, 20% या 16 सही 2/3%, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 16 सही 2/3%। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी कभी आपसे बोला जाए दोगुना 3 गुना या 5 गुना, तो आपसे 1 5 कर दो, 1 से 5 या 100 से 300, तो देखो 200 बट्टे 100 होगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप छोटी से छोटी वैल्यू लीजिए, 1 से 2 कर दो, 1 से 4 कर दो, जो भी बोले 4 गुना 3 गुना 5 गुना जो भी बोले आपको वह कर देना है, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हमें समय दिया गया तो दर निकलेगी, अगर दर दी गई है क्वेश्चन में तो हम समय निकाल सकते हैं सेम मेथड से। ओके फ्रेंड्स, चलो फटाफट से नोट कीजिए,
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 41 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी। दर दी गई है, दुगना बोल रहा है, समय पूछा गया है, तो दर दुगना, एक से दुगना कर दो ना, ब्याज कितने की, एक से दुगनी हो रही, ये हमारा प्रिंसिपल, ये मेरा अमाउंट। अमाउंट के अंदर दो चीज़ें होती है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो हमने क्या किया, अब दो में से एक घटा दो तो मेरी ब्याज आ जाएगी, ये क्या है SI, बट्टे में एक हो जाएगा, इंटू कर देंगे 100 का। अगर मुझे समय दिया गया क्वेश्चन में तो दर निकल के आ जाएगी, दर दी गई है तो समय निकल के आ जाएगा। देख लेते क्वेश्चन में क्या है, 15% मतलब दर, अगर ये दर दी गई है 15% तो हम यहाँ से समय डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 100/15 कितना होता है मेरा 6, सही 2/3 साल, फ्रैक्शन वैल्यू में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का, जिससे कि सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, और क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है और हमें कैसे सॉल्व करना है वो सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि अंकित सर आपके साथ हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 42 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि 12,000 रुपये की धनराशि को ऐसे दो भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4/1/2 मतलब 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हो, इक्वल बोल रहा है, ठीक है, बराबर बोल रहा है, ध्यान रखना इस बात को, तो बड़ा भाग कौन सा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से, या तो हम फॉर्मूले से कर लें PRT से, लेकिन PRT से करेंगे तो मजे नहीं आते है कि नहीं, तो हम आसान तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहली बात है, 12,000 रुपये की राशि मैं दो भागों में तोड़ रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे पहला भाग और दूसरा भाग, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों भागों का जो योग होगा वो कितना होगा, 12,000 रुपये होगा, ये तो मुझे पता है, क्वेश्चन ने हमसे बोल दिया एक जो है, यदि 12,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में तोड़ना है, मतलब दो भागों का योग होना चाहिए 12,000। अब उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला भाग और दूसरे भाग का जो अनुपात है वो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया कि जब भी कभी समय दिया है और हमें दर दी गई है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, तो 12×3 कितना हो जाएगा, 36% की दर बन गई, बराबर बोल रहा है क्वेश्चन ने में। इसी तरह से दूसरा भाग जो होगा वो कितने पे दिया हुआ है, 4/1/2 × 16, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4/1/2 को 4×2 = 8, 8×1 = 9, 9/2 लिख दूँ, 9/2 इंटू करेंगे 16 का, तो कितना हो जाएगा, 2×8 = 16, 9×8 = 72, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 72%, कितना हो जाएगा, 72%। ठीक है फ्रेंड्स, इसे फटाफट से नोट कर लीजिएगा आप, मैं सिर्फ कर दे रहा हूँ, ठीक है, चलो अब क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट से परसेंट उठा दो, 36 से कम 36 होता है, 36×2 = 72 होता है, बराबर के केस में वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो चेंज होने के कारण फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब हमें इन दोनों का जो योग है वो कितना दिया हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग तो 3 है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 12,000। ओके फ्रेंड्स, तो 1 = कितना होगा, 3×4 = 12, 1 = 4,000। तो क्वेश्चन ने पूछा बड़ा भाग कौन सा होगा, सीधी सी बात है, बड़े में मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा भाग बड़ा निकल के आ जाएगा, तो 4,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×2 = 8, तो मतलब 8,000 रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, तो आप इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो या फिर आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है और हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो तो क्वेश्चन नंबर 43 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक आदमी ने 50,000 रुपये में से, 50,000 रुपये में से मतलब 50,000 रुपये कुल है, 8,000 रुपये साधारण ब्याज की 5/1/2, वार्षिक दर से 24,000 रुपये 6% की दर से शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की किस ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष में 3,680 ब्याज प्राप्त हो। तो जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी गई है वह क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सर हम इसे सिंपल तरीके से कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, कुल मिलाकर जो वर्ष में हमें दे रखा है तो कुल प्रतिशत में चेंज कर लीजिए। तो कुल परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो कुल परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँ, ब्याज कितना है मेरा 3,680, ठीक है, बट्टे में कितनी राशि है, टोटल कुल कितनी है 50,000 रुपये, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे। फाइनली इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 से 20, 10 से 10, तो अगर हम 50 से डिवाइड देंगे तो 50 से डिवाइड देने पे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 7.36%। कितना हो जाएगा ये, 7.36%। ओके, तो ये तो हो गया मेरा फाइनल कुल वाली परसेंटेज। अब हम राशि को डिवाइड करते हैं, तो 50,000 रुपये मेरे कुल थे, ध्यान से देखते चलना, बहुत सिंपल होने वाला है। 50,000 रुपये कुल थे, उसमें से 8,000 मैंने पहले दे दिए, फिर उसके बाद मैंने दे दिए कितने 24,000, फिर दे दिए मैंने कितने, अच्छा अब शेष कितने बचे, 2,408 कितना हो गया 32, 32,000 50 में से चले गए, तो 32,000 जाने के बाद बचे कितने होंगे 18,000। अब एक काम कीजिए, इनमें ना कोई रोल नहीं है किसका, ये 3,0 इक्वली अठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, जो अब रेशियो बनता है, आप एक काम कीजिए और छोटा कर लीजिए इसे, और छोटा कैसे कर ले, और छोटा भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो काटना तो काट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप नहीं काटना चाहते तो मत काटिए, ठीक है। तो ये तो होगी 50 रुपये हैं, अब 50 रुपये हैं, 50 में से 8 पहले दे दिया, 24 फिर दे दिया, फिर उसके बाद शेष कितना बचा 18, इन तीनों का योग होना चाहिए 50। अच्छा कुल का परसेंटेज कितना है, 7.36। ओके फ्रेंड्स, कुल का परसेंटेज जो हमने निकाला है वो कुल में मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये तो टोटल है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, जो कि 8,000 रुपये वो कितने पे, 5.5, तो 5.5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कितने पे है 6%, तो 6 का मल्टीप्लाई ये पूछा गया है। अब यहाँ पे मुझे इतना पता है कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 368, कितना होगा 368 रुपये, अच्छा ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और ये कितना हो जाएगा 144 यहाँ पे हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन मुझे इतना पता है इन तीनों का योग होना चाहिए, इन तीनों का योग जो होगा वो कितना होगा 368, तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है जैसे कि इन तीनों को जोड़ने पर 368 आ जाए मेरा, क्योंकि ये इन तीनों के बराबर है। अच्छा तो फिर इन दोनों को जोड़कर मैं इसमें से माइनस कर दूं, अच्छा तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, पहले हम ये जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 188, 188 रुपये योग हो गया। अगर मैं 188 इसमें से माइनस कर दूं, 368 में से 188 माइनस कर दूं, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 188 माइनस करने पर कितना बचेगा मेरा 180, तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 180, लेकिन हमें क्या निकालना है, दर निकालने के लिए क्या करेंगे 18 से डिवाइड दे देंगे, तो 18 से इसे अगर मैं डिवाइड दूंगा तो कितना हो जाएगा फाइनली, अगर हम देखेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा और जो आंसर होगा वो कितना होगा 10% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मेथड है वो एकदम परफेक्टली मेथड है जो कि आप लोगों को आना चाहिए, और विदाउट परफेक्ट वैल्यू के हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मेरी तरफ से इस मेथड को हम देते हैं स्टार। ओके फ्रेंड्स,
बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। ओके, तो फटाफट से नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें कुल परसेंटेज नहीं दी गई थी, इसमें क्या होगा आपको एक परसेंटेज मिसिंग होगी। ये देखिए परसेंटेज ही तो है, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर परसेंट है, तो यहाँ पर ऐसी परसेंट कैसे निकाल सकते। अगर मैं 24 से इसमें भाग दूंगा तो 24 छक्के 144 होगा, तो 6% यहाँ पर। हमें ये वाली जगह ही तो निकालनी थी, ये हमें नहीं पता थी, लेकिन मैंने यहाँ पे पहुँचा और 18 से भाग दे दिए तो मैं 10% पर पहुँच गया, जो कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। तो सबसे पहले 50,000 थी, 8,000, 24,000, 18,000, मैंने 0,0 हटा दिए, उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सिर्फ लेंथी हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे कुल वाली जो परसेंट थी, कुल ब्याज हमें दे रखी थी, तो यहाँ से मैंने दर निकाल ली, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दी, ये मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमें नहीं पता, ये हमसे फाइंड आउट करने को बोला है। ओके, मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया 368। अब इन तीनों का योग मिला के देखो, इन तीनों का योग कितना था 50, इसी तरह इन तीनों का योग कितना होना चाहिए 368। तो या तो आप इसे एक्स मान लो फिर उसे सॉल्व करो, या फिर अपने कॉमन सेंस से थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ लें, इसमें से माइनस कर दें, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 180 बट्टे कर लेंगे 18, आ जाएगा कितना 10%, और जो कि क्या होगा हमारा फाइनली आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, और क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 44 है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास राकेश यादव सर की बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए और कॉपी और पेन लेकर बैठिए, बहुत सारा मजा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/ब्याज 1/4 है, मतलब SI मूलधन का 1/4 है। ठीक है, तो SI यहाँ पर पी कितना हो जाएगा, जिसके साथ का वैल्यू लगी होती है, तो 4 हो जाएगा प्रिंसिपल, और SI हो जाएगा 1। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, यदि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर बराबर हो, मतलब R = जो कि रेट परसेंट है वो किसके बराबर दिया है T। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टली पॉइंट बता दे रहा हूँ, जो कि मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराया था, जब भी कभी R = T है, मतलब दर बराबर है समय के, तो हमें क्या करना होता है, एक रूट लगा देना होता है, और रूट के अंदर हमें 1/4 में मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 का, ये हमें कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100/4, या फिर हम सीधे सीधे कर लेते हैं, वो कैसे सर, कि 4 से 25 बार काट दो, कितना हो जाएगा रूट के अंदर 25, अच्छा रूट के अंदर 25 है तो बाहर कितना आ जाएगा 5%, और ये 5% क्या हो जाएगा मेरा एक्यूरेट आंसर, मतलब दर निकल के आ जाएगी। पर सर ये बताइए कि ये रूट कैसे लगा, तो फ्रेंड्स फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम इसे डिटेल में भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो जब भी कभी R = T दिया हो, मतलब दर प्रतिशत समय के बराबर है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन याद रहे, ऊपर आपको ब्याज ही लेनी है और नीचे प्रिंसिपल लेना है, इनटू 100 कर देना ऊपर। ओके, चलो फिर हम इसी क्वेश्चन को करते हैं दूसरे मेथड से, दूसरे को मेथड से कैसे करते हैं वो हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 44 ही रहेगा, सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, मतलब रूट क्यों लगता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 एक बार दोबारा पढ़िए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर बराबर है, तब ब्याज दर बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दोबारा, साधारण ब्याज मतलब SI जो कि प्रिंसिपल का 1/4 है, तो यहाँ से पी कितना हो गया मेरा प्रिंसिपल हो गया 4, अच्छा तो SI कितना हो गया मेरा 1, साधारण ब्याज 1 है, प्रिंसिपल 4 है, और R = क्या है T है। ठीक है,
अब क्या करना है, पीआरटी लगाते हैं। तो पीआरटी का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई कितना है मेरा, एक की ब्याज मिल रही है, पी कितना है मेरा, चार। अच्छा, आर तो हमसे पूछा है, और टी, टी से हमें कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि टी के बराबर मैं रख सकता हूँ आर, तो टी के स्थान पर मैं आर रख दे रहा हूँ, बट्टे में 100। फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं, तो चार से कितनी बार जाएगा, 25 बार, और 25 का गुणा कर दूंगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू आर इन टू आर, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर से अगर मैं दोनों साइड में बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 25। अच्छा, रूट से 25 बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5% एक्यूरेट हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी क्या होगी, रेट होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर ये समय पूछता तो सर क्या करते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को टी कर देते और यहाँ पे ईयर लिख देते बस, तो हमारा आंसर समय में बदल जाता। ओके फ्रेंड्स, तो लेकिन हमसे समय नहीं पूछा गया, दर पूछी गई तो हम दोनों को आर मानेंगे, और अगर टाइम पूछा जाता तो दोनों को टी मान लेते, और उस केस में भी हमारा रूट बनता। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। एक्स और वाई को 7.5 वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। ठीक है, यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याजों का अंतर 150 रुपये है, ठीक है, तो प्रत्येक भाग पर दी गई धनराशि क्या है। सबसे पहली बात, दोनों धनराशि क्या है, बराबर हैं, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, ध्यान से देखिएगा, आपको ना कुछ नया मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो धनराशि है वो मैंने मान ली एक्स, और एक्स दो जगह पे, ठीक है, मतलब क्या, दोनों जगह पे मैंने बराबर बराबर धनराशि दे दी। ठीक है, दर कितनी है मेरी, 7.5% है, तो ये 7.5 दे दी। ठीक है, अब समय की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे समय अगर मैं देखूँ तो समय हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली माइनस करते हैं, तो सबसे पहले कितना होगा, 5 साल, 7.5 अगर 5 साल के लिए रहेगी तो ज़्यादा होगी, और सेकंड पे कर देंगे 4 वाला। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, 5 साल समय ज़्यादा है, बट्टे में 100 होता है, पीआरटी में बट्टे में 100 होता है। ओके फ्रेंड्स, अधिक है, अंतर है माइनस कितने का, 150 रुपये का। दोबारा देख लीजिए एक बार, एक्स और वाई को 7.5%, दोनों 7.5% पे, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 मैंने इसलिए फर्स्ट पे लिया क्योंकि 5 बड़ा है, इसलिए ब्याज यहाँ पे ज़्यादा होगी, बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने पर हमारी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एक पॉइंट हटा दीजिए, 10 लगा दीजिए, एक पॉइंट हटा दीजिए, 10, 25 दिया 75, 25 चौके 100 मतलब 40, 25 दिया 75, 25 चौके 100 मतलब 40, 40-40 एलसीएम लेंगे, लासा लेने के बाद में इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3×5 15x माइनस 3×4 12x, बट्टे का 40 था वो इधर मल्टीप्लाई में कर दूँ तो 15×4 60 कितना हो जाएगा, 6000 रुपये। इस 40 का एलसीएम लेके लासा लेने के बाद में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 40 का, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 15×4 60 और 2020, ये कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3×6 2000 रुपये। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा, मैं आपको इससे भी बेस्ट मेथड बताऊंगा, ये तो सिर्फ शो के लिए आपको एकदम परफेक्ट मेथड बताने वाला हूँ जो कि आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। ओके, फटाफट से नोट कीजिए। और अगर बाई चांस आप अगर ये 4 साल इधर ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 4 साल इधर ले लेंगे तो सिर्फ माइनस का एक्स हो जाएगा, और माइनस के एक्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स से मतलब है, ये वैल्यूज़ इधर और उधर रख सकते हैं हम, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि माइनस का आएगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। ओके चलो,
कभी कभी हम छोटे में से बड़ा माइनस कर देते तो इस वजह से माइनस आ जाएगा इस केस में, लेकिन आपको इस मेथड से करना ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो फिर हम चलते हैं इसी के मेथड नंबर टू की ओर। मेथड नंबर टू कैसे करना है वो सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, मिस हो जाएगा आपका। ओके फ्रेंड्स, चलो तो मेथड नंबर टू है, ध्यान से देखिएगा। 45 दोबारा, एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाया गया ब्याजों में अंतर 150 रुपये है तो प्रत्येक भाग पर दी गई धनराशि। तो मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि दर में हमेशा साल का गुणा कर दे। तो सबसे पहले कितना, 7.5% की दर है, 7.5% की दर है, और दूसरी भी 7.5% है। इंटू कर देंगे कितना 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर लोगे। ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 37.5। कितना हो जाएगा 37.5। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर दिया है हमें, मेरे अकॉर्डिंग कितना है 7.5 का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो अंतर कितना है 150 रुपये का। 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये परसेंट में है, ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 7.5 से डिवाइड दे दूँ, पॉइंट हटाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, 75 दूनी 150 हो जाएगा। तो एक परसेंट बराबर कितना है 20, तो 100% हमारी पूंजी होती है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, 2000 रुपये हमारी पूंजी हो जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन अपडेट आपको मैथ्स के मिल जाएं और आप टाइम टू टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि मैथ्स के नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपके पास किरण प्रकाशन की बुक है तो आप प्लीज़ उसके लिए भी हमारे चैनल पर जा सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किरण प्रकाशन बुक के सीरीज वे में। ओके फ्रेंड्स, चलो तो हम चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।